बेहतर कर सारी चीजें हमने जानने की कोशिश करी है। तो निश्चित तौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं के लिए, और हमारे भी ज्यादा हम प्रयास करेंगे कि लोगों के विश्वास पर खरा उतरे। नमस्कार, मैं हूं उत्पेश कर्ण और मैं आप सभी का लाइव टीवी शिव दर्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है, और लोकतंत्र में खासकर जनता के पास जो एक वोट देने की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है। ये किसी नेता को गद्दी से उतार भी सकती है और गद्दी पर बिठा भी सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देवघर नगर निगम के इस महासंग्राम में सभी प्रत्याशी अपने अपने तरफ से चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। अब देखना है कि जीत किसके खाते में आती है। और ये आपको कैसे कर्मठ युवा और ईमानदार प्रत्याशी से मिलाते हैं, जिनका नाम है आशीष कुमार झा उर्फ कन्हैया झा। वो जो न केवल एक बीजेपी नेता है बल्कि साथ ही साथ वार्ड पार्षद भी हैं और जोनल चेयरमैन भी है वार्ड नंबर 22 के, माफ़ कीजिएगा। और उसके साथ साथ वो योजना समिति के अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे सीधे तौर पर रूबरू करेंगे और हर एक क्वेश्चन के तह तक जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके आखिर 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या विकास किए, कौन कौन सी योजनाएं लाई उन्होंने, वो सारी चीज़ें हम उनसे जानने की कोशिश करें। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर, और हमारे बीच आए, चूँकि इस चुनावी महासंग्राम में आप भी हर एक तरकीब को आजमा रहे हैं ताकि हम जनता का विश्वास जीत सकें। कई सारे वायदे आप उनके सामने पेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर के जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा आपका, उसमें आप ऐसी कौन कौन सी योजनाएं आप लाए, कौन कौन से ऐसे विकास किए आप जो आप जनता को दिखा सके, उनको विश्वास दिला सके कि अगर हम इस उपमहापौर के प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हुए हैं तो कैसे आप कौन कौन सी योजनाएं लाएंगे, इसके बाद कौन कौन से विकास के मुद्दे उनको रखेंगे आप? देखिए, अभी वर्तमान में मैं देवघर नगर निगम में वार्ड संख्या 22 के पार्षद हैं, साथ ही जोनल चेयरमैन भी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का भी मेंबर हैं। और एक पार्षद को बहुत अधिकार नहीं होता है और ना ही उसका कोई ऐसा फंड है जिसका वो अनुशंसा करे तो काम 100% हो जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा जो ये 5 साल का लगभग कार्यकाल बीतने जा रहा है, हमको लगता है कि एक विधायक को जितना फंड मिलता है 1 साल में अनुशंसा करने का, लगभग 3 करोड़, तो यानी कि 5 साल में 15 करोड़, तो हमको लगता है कि हम अपने 5 साल के कार्यकाल में कम से कम अपने वार्ड क्षेत्र में 20 करोड़ के आसपास का काम किसी न किसी मद से कराए हैं। और अगर हम आपके चैनल पर अगर कोई झूठ कह रहे हैं तो हम दावे से यह भी कहते हैं कि और जो भी प्रत्याशी हैं या आपके चैनल को जो भी लोग देखते हैं और उनको लगता है कि हमारा दावा झूठा है, तो वो कभी आमने सामने भी हम लोग रूबरू होंगे और हमारे दावे पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगावे तो हमको अच्छा लगेगा। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में ऐसे आपके जो जहाँ पर आप वार्ड परिषद के का आप जो अध्यक्ष हैं, तो राशन कार्ड वितरण आप, जैसे कि बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं मिल पाती है, तो इसके कई सारी शिकायतें आती है, तो इसका निदान आप किस तरह से कर रहे हैं, लोगों को आप किस तरह की समस्या का समाधान निकाल पा रहे हैं? देखिए, एक तो हमको लगता है कि हमारा वार्ड क्षेत्र जो है वो काफ़ी, इस वार्ड क्षेत्र के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अधिकांश लोग सक्षम लोग हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि यहाँ की जो आबादी है और उस आबादी के अनुरूप जितना मैक्सिमम लाल कार्ड वितरण होना चाहिए, वो हमको लगता है कि हम अपना जो भी टारगेट था उसको हम ले चुके हैं। और वो संख्या लगभग 1000 के आसपास हमको लगता है कि लाल कार्ड हम वितरण अपने क्षेत्र में कर चुके हैं। और सिर्फ लाल कार्ड नहीं, एक आम आदमी को जो चाहिए, रोड चाहिए, नाला चाहिए, लाइट चाहिए, हमको लगता है कि हमारे वार्ड क्षेत्र में अधिकांश रोड जो है लगभग PCC हमने करा दिया है, जबकि यह वार्ड क्षेत्र किसी न किसी कारणवश, कारण जो हुआ रहा हो, हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन विकास से काफ़ी दूर था। और यह जो वार्ड क्षेत्र है काफ़ी बड़ा भी है परिसीमन के हिसाब से, और
कई क्षेत्र ऐसा है जो काफ़ी नया बसा है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि 5 साल के दरमियान छोटी से छोटी गलियों को PCC कराने का। और हमको लगता है कि लगभग बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से 100 लगभग PCC हमने अपने वार्ड क्षेत्र में करा दिया है। हमको लगता है कि 50 कम से कम नाला हमने RCC नाला बनवाया है पूरे वार्ड क्षेत्र में। पूरे वार्ड क्षेत्र में कोई ऐसा पोल नहीं है जहां लाइट नहीं लगा है, और सिर्फ लगा नहीं है, वो जलता नहीं है, समय पर उसको ऑन ऑफ नहीं किया जाता है। लगभग हम दावे से कहते हैं कि कोई ऐसा पोल नहीं है जिस पर लाइट नहीं है। हो सकता है कि इधर 2-4 महीने में कोई नया पोल हो जो उस पोल पर लाइट नहीं लगा हो, और वहाँ आकर किसी को लगता हो कि बहुत आवश्यक है तो वो सूचना दे। हमको लगता है कि हम प्रयास करेंगे कि वहाँ भी लाइट लग जाएगा, लेकिन 3 महीना पहले तक जितना पोल था पूर्व से, हर पोल पर लाइट, और सिर्फ लाइट नहीं, वो लाइट जलता भी है। इसलिए हमको लगता है कि सिर्फ कोई अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हर कोई लड़ना चाहता है, लेकिन जिसका जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में आगे बढ़े तो ज़्यादा असरदार होगा और लोगों को भी ज़्यादा लाभ होगा। जैसे कि आपने कहा लाइट, आपने कहा गली, कहा नाले, कहा जिसकी आपने जिक्र लिए, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माध्यम से आपके वार्ड क्षेत्र में कितने लाइटों का आपने वहाँ पे आपने बनाया, कितने लाइटों का आपने इसका समाधान किया? देखिए जो स्ट्रीट लाइट जो होती है, सिर्फ बनवाए नहीं, हमको लगता है कि अपने कार्यकाल में 5 साल में कम से कम 700 नया LED लाइट हमने लगवाया है। और सिर्फ 700 LED लाइट लगवाया नहीं है, हमको लगता है कि हमारे विरोध में 5 कैंडिडेट, हम जब चुनाव लड़े थे तो 5 कैंडिडेट हमारे विरोध में चुनाव लड़ा था, तो स्वाभाविक रूप से कोई किसी का समर्थक था, कोई किसी को वोट दिया था, सब वोट तो हमको मिला नहीं था। लेकिन इन सब बातों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए, चूँकि पार्षद अगर हम थे तो जो हमारे विरोध में चुनाव लड़ा उनका भी पार्षद हम इस क्षेत्र का हैं, इसलिए हम समान रूप से, ऐसा नहीं कि जो लोग हमको वोट दिया सिर्फ उनके ही क्षेत्र को हमने देखा है, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में हमने समान रूप से काम किया है। कोई एक ऐसा व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है कि आप, हम आपके विरोधी थे इसलिए आप हमारी ओर ध्यान नहीं दिए। इसलिए हमको लगता है कि सबका साथ और सबका विकास, और इस बार सबका विश्वास भी जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, तो आपके वार्ड क्षेत्र जिस 22 वार्ड क्षेत्र 22 के तहत जो आता है, तो आपके अंदर जो भी क्षेत्र आते हैं जैसे कि वार्ड नंबर 22, तो आपने कितने लोगों को ये जो घर उपलब्ध करवाया आपने? जी, देखिए हमारे वार्ड क्षेत्र में हम पहले भी बता चुके हैं कि अधिकांश लोग पढ़े लिखे भी हैं और सक्षम लोग भी हैं, लेकिन हमारा जो वार्ड 22 है इसमें 2 गांव भी जुटा है। जैसे आप जानते हैं कि पूरे नगर निगम में 44 गांव जुड़ा गया था, जिस वो 44 में 2 जो है हमारे क्षेत्र का भी है, भुरभुरा और चक श्री मिसर बांध। और निश्चित रूप से शहर के बनिस्पत गांव के रहने वाले लोग जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं होती है, तो चक मिसर बांध और भुरभुरा क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा आवास मिला है निसंदेह। लेकिन इसके अलावे पूरे वार्ड क्षेत्र में हमको लगता है कि लगभग 130-135 के आसपास हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाया है। कई को गृह प्रवेश करा चुके हैं, कई का घर बन रहा है, कई प्रोसेस में है, और हमको लगता है लगभग 200 लोगों को हमने शौचालय प्रयास करके, प्रधानमंत्री जी का यह विशेष अभियान चला था बीच में स्वच्छता का, तो उसके तहत लगभग 200 लोगों को हम किसी न किसी रूप में लाभ शौचालय का हमने दिलवाया है। और आपके चैनल के माध्यम से हम यह भी लोगों को बताना चाहेंगे, और बोलने में निसंदेह उनको तनिक भी ना डर है और ना किसी तरह का भ्रम है, कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम के अधिकारी हों या कर्मचारी हों या पार्षद हों, सभी लोग कहीं ना कहीं बिचौलिया का काम करते हैं और कमीशनखोरी का काम करते हैं।